श्रीगंड महादेव। वहां पे बारिश बहुत हो रही है, पर हम जब भी निकल गए हैं देखेंगे जितना भी होगा बारिश में ही कर लेंगे ट्रैक। और मैं भैया से आप सभी लोगों को मिलवाऊंगा भैया से। पता नहीं रोड पे कुछ पड़ा था, थोड़ा साइड करके निकालना पड़ा। अभी बाइक जो हमने थोड़ा तेज लेके चल रहे हैं क्योंकि भैया आगे हमसे, भैया के साथ चलेंगे फिर। भैया जिस तरह से मेंटेन करेंगे उसी तरह से रहेंगे भैया के साथ। जितनी स्पीड भैया चलेंगे लेंगे उसी स्पीड से चलेंगे। अभी तो हमारे साथ थे भैया, मैं थोड़ा गोप्रो लगाने के लिए रुका था तो काफी आगे निकल गए भैया। और ये जो हाईवे है इसको मेरा सेकंड बार है, मैं दूसरी बार जा रहा हूँ इस पर को। और इससे पहले एक बार मनाली गया था तो गया था मैं, नहीं तो उसी रूट से गए हम जितनी बार भी गए हैं इधर। इस रूट से पहली बार आ रहा हूँ भाई से। एक बार मैं वोल्वो से गया था तो इस बार भैया के साथ है। अम्बाला चंडीगढ़ अमृतसर इसी रूट से जा रहे हैं। भैया भी आ गए हैं शायद, या भैया पीछे है, नहीं शायद आगे है भैया। भैया ने थोड़ी गाड़ी खींच रखी है अपनी, थोड़ी स्पीड से चल रहे हैं भैया। और दोस्तों ये जो श्रीगंड महादेव जी का जो ट्रैक है ये मैं पहली बार करूंगा। और इतना लंबा ट्रैक मैं पहली बार करूंगा, मैं इतने लंबे ट्रैक पे कभी नहीं गया। 35 किलोमीटर है ये रास्ता तो मेरे को पता नहीं, पर जैसे भैया ने बताया था कि 35 किलोमीटर है और वो पैदल ट्रैक है टोटल 35 किलोमीटर का। और देखते हैं किस टाइम तक हम कर पाएंगे। अभी तो हम जा ही रहे हैं, अम्बाला पहुंचेंगे अभी हम। अम्बाला रुकेंगे और शायद भैया यहाँ खड़े हैं। दोस्तों ये सुशील भैया, ये सुशील भैया और ये रुके हमारा वेट कर रहे हैं। चलो हमारे वेट कर रहे थे भैया, और भैया अपनी डिस्कवर लेके आए हैं, भैया के साथ चलेंगे। भैया भी ब्लॉग कर रहे थे, अपना मोटो ब्लॉग कर रहे थे और चल रहे हैं हम। ये है दोस्तों इनके भैया के चैनल का नाम सुनील सिसोदिया ब्लॉग, और इनका इसी नाम से दूसरा चैनल भी है, वो खाली सुशील सिसोदिया है यूट्यूब पे। और एक ब्लॉग से एक नॉर्मल उस पर इंफॉर्मेशन ज्यादा देते हैं भैया, जैसे तीर्थ हो गए, कोई लंबा रूट हो गया और कोई धार्मिक स्थल हो गया, उसकी जानकारी देते हैं उस चैनल पे भैया, और इस पर अपना ब्लॉग करते हैं भैया। ये चैनल भैया का ब्लॉग वाला है, और जो दूसरा है सुशील सिसोदिया करके, उस पर खाली इंफॉर्मेशन देते हैं भैया, जैसे केदारनाथ हो गए, बद्रीनाथ हो गए, उत्तराखंड चार धाम। और ये है भैया का, इसी नाम से है दूसरा चैनल भी। अब जो हम भैया के साथ ही चलेंगे, भैया आगे चल रहे हैं हमसे, और मनीष आगे है उनसे पीछे, भैया उनसे पीछे मैं, हम तीन ही लोग हैं इस राइड पर। हम जो है ना मेरठ से हूँ, और जो मनीष है वो गाजियाबाद से मेरठ आया था, तो मेरठ होते हुए शामली होते हुए आए हैं, और भैया दिल्ली
फरीदाबाद से दिल्ली होते हुए इधर से आए निकलते हुए। भैया भी सही चला रहे हैं गाड़ी, यानी कि बाइक सही खींच रहे हैं, अच्छी स्पीड मेंटेन कर रखी है भैया ने भी। दोस्तों लो जी सूर्य देवता भी निकल गए हैं, दोस्तों सूर्य देवता भी निकल चुके हैं, पर बादल अभी लगे हुए हैं, धूप तो निकल ही रही है। सूर्य देवता जो है कभी बादलों में चले जाते हैं, कभी बादलों के बाहर आ जाते हैं, जब बादलों से बाहर आ जाते हैं तो धूप होती है, जब अंदर चले जाते तो धूप चली जाती है। और सामने मौसम अभी ऐसे ही है, खराब ही हो रहा है, बादल लगे हुए हैं सामने, और फुल मौसम जो है जिसको बोल सकते हैं कि मौसम फुल पैक है। और दोस्तों ये जो पीछे जो आप जगह देखी थी जो शहर तो था, ये प्रतापगढ़ है, और अभी हम प्रतापगढ़ पहुंच गए हैं। हाँ प्रतापगढ़ है ये, और यहाँ से जो है अम्बाला रह गया है 40 किलोमीटर, अम्बाला कैंट 40 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। हम अम्बाला ही रुकेंगे, अम्बाला एक टी ब्रेक लेंगे, कुछ खाना होगा तो कुछ खाएंगे भी वहाँ पर ही रुकेंगे। भैया के साथ, भैया के साथ तो राइड करने में मजा आ रहा है, फुल खेच रहे भैया, 80-90 चल रहे हैं, 80 तो चला रहे हैं भैया, इतना तो है, 80 तो चला रखी है भैया ने, पक्का चला रखी है। और ये रोड पे इधर छल्ली, यानी के मक्का की, वो जो मक्का बोलते ना इसको। और दोस्तों इस राइड पे बहुत काफी मजा आने वाला है, क्योंकि पता है भैया हमारे साथ है, और अच्छी तरह से ट्रैक करेंगे। काफी ठीक चल रहे हैं हम, और ये बराबर में अपने सुशील भैया चल रहे हैं, और मनीष आगे चल ही रहा है, मनीष हमको लीड कर रहा है, तीनों लोग हम उनके पीछे, दोनों लोग हम उसके पीछे चल रहे हैं, मनीष चल रहा है हमसे आगे। और मनीष को दिखाता हूँ आपको, मनीष ये है दोस्तों, मनीष ये अपनी अपाची 200 पे है, जो ये केदारनाथ लेके गया था सन 2020 में, नहीं 20 में नहीं 21 में, 21 में ये हमारे साथ ही थे। और ये गाजियाबाद से है, ये अपनी अपाची पे है, और भैया ये भैया, भैया को बीच में रखते हैं। दोस्त एक ये बाइकर है, ये भी हमारे साथ ही चल रहा है, हमारे साथ क्या बार बार हमें ओवरटेक कर रहा है, कभी पीछे जा रहा है, फिर अब पीछे से आता ओवरटेक करता खतरनाक तरीके से, भाई चल दे रहा, हम भी चल रहे हैं, हमें कुछ दिक्कत ही नहीं है, चलते रहे हम भी चले रहे हैं। और ये दोस्तों मौसम देखो सारा, आगे से ना बिल्कुल काले काले बादल लगे हुए हैं, अपनी जो हिमालयन है वो भी अच्छी तरह से चल रही है, फुल टॉर्क ले रही है। और दोस्तों इसकी मैं सर्विस तो इस बार में करा के लाया, क्योंकि सर्विस तो हुई हुई थी, फिर मैंने एयर फिल्टर बदलवाया इसका, क्योंकि एयर फिल्टर सर्विस पे चेंज नहीं हुआ था, उसकी वजह से ना गाड़ी थोड़ा सांस सही से नहीं ले पा रही थी, तो एयर फिल्टर लिया मैंने। और वो दोस्त है एक मेरा शोरूम में, रॉयल एनफील्ड शोरूम में एक दोस्त है, उसने घर ही आके डाल दिया, और अब बढ़िया ही बढ़िया हो गया इसका, और अच्छी चल रही है।
गुरु जी यहाँ से अम्बाला जो है 20 किलोमीटर रह गया, और अभी हमें 20 किलोमीटर और चलना है, फिर हम एक ब्रेक लेते हैं, चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं। सुबह से कुछ खाया भी नहीं ना, अभी सुबह से कुछ नहीं खाया, बस सुबह घर से दूध पी के निकले ले, दूध और एक बिस्किट। और अभी हम अम्बाला रुकेंगे, वहीं खाएंगे कुछ। मनीष भी सुबह से निकला हुआ है, उसने भी कुछ नहीं खाया, और भैया का भी ऐसी है, भैया भी घर से जल्दी निकल गए थे। अम्बाला कैंट 15 किलोमीटर रह गया यहाँ से, और काफी अच्छी स्पीड मेंटेन कर रखी है हमने। दोस्तों ये जो हाईवे है काफी अच्छा बना हुआ है, और सेकंड बार आ रहा हूँ इस पे, जैसे मैंने आपको बताया था, पहली बार आ रहा हूँ बाइक लेके, तो इस पे लेकिन मेरे को ओल्वो से गया था एक बार मनाली, और काफी अच्छा रास्ता है, पर ट्रैफिक ज्यादा है इस पे, काफी ट्रैफिक है। अब जो है दोनों तरफ ग्रीन आ गया, इधर भी पेड़ इधर भी पेड़, दोनों तरफ ग्रीन चमक रहा है, लेफ्ट भी और राइट भी, और सीधे हम चल ही रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, श्रीखंड महादेव। मंजिल हमारी वही है, और दोस्तों मैं तो इनके पीछे ही चल रहा हूँ, जिस स्पीड से ये चल रहे उसी स्पीड से चल रहा हूँ मैं इनके पीछे। आगे मनीष, पीछे में भैया है, और पीछे मैं हूँ, इनके पीछे ही चल रहा हूँ, यही चल रहे हैं हमसे आगे, वो चलने ही दे रहे हैं, चल दे रहा हूँ। आराम से चल रहे हैं, काफी मजा आ रहा राइड पे। दोस्तों हम पहुंच गए अम्बाला कैंट, और अभी हम यहाँ कुछ खाने पीने के लिए रुकेंगे। तो ये है अम्बाला, और अम्बाला हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए रुकेंगे अभी थोड़ी देर। वैसे तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा कुछ खाने पीने के लिए। शिमला चंडीगढ़ इधर से जाना है, हम अम्बाला से शिमला के लिए हो गए हैं, जो चंडीगढ़ और शिमला के लिए जो रूट जा रहा है उसको हम कट हो गए हैं। अब देखते हैं, कुछ भूख लगी भी है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और कुछ खाने पीने के लिए रुकेंगे। कुछ यहाँ पे ढाबा रेस्टोरेंट कुछ नहीं चमक रहा, अगर जो दिखे तो हम जरूर रुके, यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा हमें यहाँ पे। ऐसा हाईवे है तो हाईवे पे शायद ना हो, अंदर की तरफ चल रहे। हाँ सामने अम्बाला शहर चमक रहा है पूरा, तो वहाँ पे शायद हमें मिले। यहाँ से जा रहा है दोस्तों शिमला चंडीगढ़, हमें शिमला की तरफ जाना है सीधे। यहाँ तो ज्यादा भीड़ हो रही है मनीष भाई, यहाँ तो वैसी भीड़ हो रही है पहले से ही, यहाँ तो पहले से भीड़ हो रही है,
या तो बीड़ी पहले से ज्यादा हो रही है। कोई एक काम करो, हाईवे पे चल रहे हैं, कहीं साइड में ढाबा दिखाई दे ना बड़ा सा, जैसे भी दिखाई दे। ये सीधे ही चलना है, सीधे ही चलना है। चलो दोस्तों, यहाँ शायद एयरपोर्ट पास में ही है। यहाँ जी हम खाना खाने के लिए रुके थे, सामने जो रेस्टोरेंट है, और यहाँ से निकल रहे हैं हम शिमला के लिए, और शिमला रुकेंगे अब। रास्ते में चाय वगैरह पीने के लिए रुकेंगे, ये तो फिर शिमला सीधे। और ये भैया दोनों यहाँ से निकल गए हम शिमला के लिए, अभी हम बीच में खाना खाने के लिए रुके थे, आपको जो आपने अभी देखा ही है। और यहाँ से हम शिमला रुकेंगे, रास्ते में रुकेंगे चाय वाय पीने के लिए। वैसे मौसम पूरा पैक हो गया, पैक तो सुबह से ही हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, बादल लगे हुए हैं, ये काले काले बादल जा ही नहीं रहे, सुबह से लगे हुए ऐसे के ऐसे, और अब चल ही रहे हैं, अभी तक भी ऐसे ही है। और भैया भी मस्त मस्त बाइक चला रहे हैं, भैया भी कैच के चल रहे हैं गाड़ी को, बाइक को यानी के। और रास्ते में सिर्फ चाय वगैरह पीने के लिए रुकेंगे, नहीं तो फिर सीधा शिमला। और ग्लव्स में कुछ हो रहा है, काट रहा है, इसको देखता हूं। दोस्तों हम निकल ही गए थे, पीछे से एयर ना गिला, थोड़ा दिक्कत कर रहा था, पता नहीं कुछ अंदर इसमें चला गया था, वो काट रहा था, चुभ रहा था अंदर काफी, तो मैंने वो ठीक किया और निकल चुका हूँ। दोस्तों ये चंडीगढ़ है यहाँ पे, और सामने से अब हमें पहाड़ चमकने लगे हैं, अब शिमला की तरफ जा रहे हैं हम। अभी तो नहीं है, पहाड़ बहुत दूर है, कि गोप्रो में नहीं आ रहा होगा, मेरे को चमक मुझे चमक रहे, आपको नहीं चमक उठे होंगे, क्योंकि गोप्रो में इतना दूर का ले नहीं रहा होगा ये। पर सामने पहाड़ चमकने लगे हैं थोड़े थोड़े, दूर है काफी, बस दिखाते हैं आपको चलते चलते। अभी तो हमने चंडीगढ़ ना थोड़ा सा बचा, चंडीगढ़ क्रॉस करना। दोस्तों फाइनली लो जी, ये आ गया पहाड़,
यहाँ से पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो जाएगा। काफी देर तक हम ट्रैफिक में घूमते रहे और यहाँ से चमके अभी हमें पहाड़। अब पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो गया, अब आएगा मजा। ये जी शिमला के नज़ारे, हम रात पहुंच गए थे शिमला। और ये देखो, ये रूम के बाहर का व्यू है, तो पूरा शिमला है। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे रामपुर के लिए।